अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हरिया से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज की रेसिपी है शेक शेक बर्गर। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमारे बर्गर पैटी के लिए हम लोगों ने ले लिया है मटन। तो इसे हम लोग थोड़ा सा मोटे हाथ का कीमा कर लेंगे इसका। वैसे तो मशीन भी है, लेकिन जो मज़ा हाथ के कीमे से आता है वो मशीन में नहीं आता है। मशीन में एकदम से बिल्कुल बारीक हो जाता है। ये देखिए हमारा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था कीमा रेडी हो गया। 2 टेबलस्पून हमने मायोनीज ले लिए, उसमें 1/4 टीस्पून ले लेंगे हम मस्टर्ड पेस्ट का। 2 से 3 लहसुन के जवे जो उनको बारीक बारीक हम लोग पीस लेंगे, काट लेंगे। थोड़ा सा लहसुन का पाउडर भी ले लेंगे, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा ले लेंगे सिरका 1 टेबलस्पून हम लोग, और पेपरिका पाउडर ले लेंगे कलर चेंज करने के लिए थोड़ा सा। अगर आपके पास है नहीं है तो कश्मीरी मिर्च है तो वो भी बस इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी हमारी सॉस रेडी है माशाल्लाह। अभी चलते हैं अपने फ्रेंच फ्राइज की तरफ। पहले तो ऑयल हो रहा है हमारा गरम, अपने फ्राइज डाल देंगे इसमें। तो जब तक हमारी फ्राइज होती है फ्राई, तो हम जब चलते हैं अपनी पैटी की तरफ। तो अपनी पैटीज को बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा हेल्दी जाएंगे, तो हम लोग तेल नहीं डालेंगे, तेल में इसे फ्राई नहीं करेंगे, हम लोग इसी के फैट में इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी जो हमने कीमा बनाया था, 3 हम लोग हैं, बड़ी बड़ी सी माशाल्लाह 3 पैटीज बन गई हैं। तो इनको इसी के अपने जो फैट है उसी में हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने फ्राइंग पैन में, नमक मिर्च भी उसमें नहीं डालेंगे हम लोग, सीधा फ्राइंग पैन में डाल देंगे। ये हमारा नमक चला गया फ्राइंग पैन में। ये काली मिर्च चली गई हमारी। तो इसी के ऊपर हम लोग अपनी पैटी जो है उसको बनने के लिए रख देंगे। तो हल्का सा प्रेस करके दोनों साइड से अच्छा सा बना पका लेंगे इसे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त एक साइड हो गई है, भी दूसरी साइड को भी ऐसे ही पका लेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि थोड़ी सी ये थिन हो जाए हमारी, पतली हो जाए टिक्कियाँ, ताकि अंदर से कहीं कच्चा रहने का कोई चांस ना हो। तो थोड़ी सी जो फ्लेम है उसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से हमारे जो पैटीज पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं हमारे पैटीज। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो आप हल्का सा तेल लगा लें नीचे, अदरवाइज फिर आपकी पैटीज नीचे लग जाएंगी। उधर हमारे फ्राइज भी ऑलमोस्ट डन है। ये देखें हमारी प्यारी सी माशाल्लाह तो फ्राइज जो गोल्डन हो गई। तो अभी इसे निकाल लेंगे किसी टॉवल पेपर पे या फिर टिश्यू पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर निकाल के इसका ऑयल जो पूरा है वो खुश कर लेंगे और हल्का सा नमक छिड़क लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखें हमारी माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी सी पैटीज रेडी है। देखिए कितनी माशाल्लाह जूसी, ये देखें माशाल्लाह कैसे जूस उसमें से ड्रिप हो रहा है। तो अभी हम लोग फ्लेम कर देंगे बंद, तो चलेंगे अपनी प्रिपरेशन की तरफ। पहले पैटीज को निकाल लेते हैं एक प्लेट में, बाद में इसी पैन में हम थोड़ा सा बटर डाल के तो इसके बन जो है उनको थोड़ा सा सेक लेते हैं।
पैन में ले लेंगे बटर, तो एक एक करके बन हम लोगों ने काट लिए, एक एक करके इनको सेक लेंगे अच्छे से। इसे निकाल लेंगे। पहले अपनी सॉस लगा लेंगे बन के ऊपर अच्छे से, मायो सॉस जो हम लोगों ने बनाई है अपनी। इसके बाद हमारा पैटी आ जाएगी उसके ऊपर, माशाल्लाह जबरदस्ती। और इसके ऊपर हमारी आ जाएगी चेडर चीज, हम लोग स्लाइस चीज जो है ऊपर लगा लेंगे इसे। ये हमारी चीज के दो स्लाइस ऊपर आ जाएंगे। चीज को मेल्ट करने के लिए हम लोग इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारे बड़े ही प्यारे तीनों बन रेडी हो गए हैं बर्गर। तो अभी इसको चीज को मेल्ट करने के लिए हम लोग ऊपर कवर करके तो 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, तो चीज हमारी जो है बची बड़ी अच्छी से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए जी, हमारी माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी चीज मेल्ट हो गई है। अभी जो हमारा इसका टॉप था अपने बर्गर का, उसको एक बार फिर हल्का सा सेकेंगे और उसके ऊपर भी थोड़ी सी अपनी मायो सॉस लगा देंगे। और हमारे चले जाएंगे 2 स्लाइस इसके टमाटो के। आप चाहे तो इसमें लेटस डाल लें, सलाद का पत्ता डाल लें, कुछ भी आप वो बंद गोभी बारीक बारीक काट के डाल लें, लेकिन हमें क्योंकि बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं हमजा को स्पेशली। तो ये हमारी चले जाएगी ऊपर इसके, माशाल्लाह रेडी कर लेते हैं तीनों, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखें जी, हमारे माशाल्लाह बड़े ही मजे के बर्गर तैयार हैं। तो आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छे बनेंगे। देखें माशाल्लाह कैसे चीज ही और चीज कैसे मेल्ट होके बाहर आ रही है। सॉस देखें माशाल्लाह इतने जबरदस्त, ये देखें माशाल्लाह। कॉल बॉय जरूर ट्राई करें, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सबका ख्याल। तो मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।